हाय दिया, वेलकम बैक टू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में इंस्टॉल करने वाले अपने GTA 5 में नेचुरल विजन इवॉल्व ग्राफिक मोड। तेरे GTA 5 का सबसे बेस्ट और सबसे लेटेस्ट ग्राफिक मोड है, और ये वाला ग्राफिक मोड इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो GTA 5 है लिटरली काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो यार बहुत ही सिंपल और ईजी है इस मोड को इंस्टॉल करना, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो GTA 5 में नेचुरल विजन इवॉल्व का मोड इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए script2p.net, हीप एडजस्टर एंड नेचुरल विजन इवॉल्व। तो इन सही फाइल के लिंक आप लोगों को इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से जाके अपने से डाउनलोड कर लेना है। तो इस फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी OpenIV। तो सबसे पहले हम अपने OpenIV को ओपन कर लेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों के पास OpenIV नहीं है तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने OpenIV डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद गाइस हमारा जो OpenIV वो ओपन हो चुका है, तो हम एडिट मोड को ऑन कर लेंगे एंड यहाँ से यस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है अपना ASI लोडर। यहाँ पे हम ASI लोडर वाले ऑप्शन में आएंगे, ASI मैनेजर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो ASI लोडर है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो कुछ इस तरह से आएगा, तो नॉट इंस्टॉल, तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यस कर लूँ तो हमारा जो ASI मैनेजर है वो इंस्टॉल हो गया। तो हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करेंगे script2p। तो बिन फोल्डर को ओपन करेंगे एंड देन जितनी भी फाइल्स है सभी फाइल्स को यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। एंड उसके बाद आता है हमारा script2p.net। तो इसके भी फोल्डर को ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे जितनी फाइल्स इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा जो script2p.net है वो भी इंस्टॉल हो गया। तो अब बारी आती है हमारे GTA 5 के हीप लिमिटेड एडजस्टर की। तो हम इसे भी ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड इसे भी ड्रैग करके अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में ड्रॉप कर देंगे। नाउ गाइस अब बारी आती है हमारे नेचुरल विजन इवॉल्व मोड के। तो राइट क्लिक करेंगे और हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बिकॉज एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही हमारा जो GTA 5 का नेचुरल विजन इवॉल्व मोड है वो इंस्टॉल होगा। तो इसीलिए हम इसे सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ से हमारी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो हम यहाँ पे अपनी फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो ये है हमारा GTA 5 का नेचुरल विजन इवॉल्व। तो यहाँ पे हमें तीन फाइल देखने को मिल जाती है नेचुरल विजन इंस्टॉलर की, तो part 1, part 2 and part 3। तो इन तीनों फाइल्स को हम एक एक करके इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने part 1 को यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड जस्ट अपने OpenIV में हम इसे ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप करने के बाद हमारा जो इंस्टॉलर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से आपने चूज़ करना है मोड्स फोल्डर और उसके बाद कन्फर्म इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। नाउ हमारा जो GTA 5 का नेचुरल विजन इवॉल्व ग्राफिक्स मोड है इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा जो GTA 5 का नेचुरल विजन इवॉल्व part 1 है इंस्टॉल हो गया। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं एंड अब बारी आती है हमारे GTA 5 के नेचुरल विजन इवॉल्व part 2 की। तो हम इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड अगेन अपने OpenIV में ड्रॉप कर देंगे एंड नाउ यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे एंड अगेन मोड्स फोल्डर सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ कन्फर्म इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। नाउ गाइस हमारे जो GTA 5 के नेचुरल विजन इवॉल्व part 2 है इंस्टॉल हो रही है। तो गाइस यहाँ से हमारे जो नेचुरल विजन इवॉल्व का part 2 है वो इंस्टॉल हो गया। तो हम इसे क्लोज कर देंगे एंड नाउ अब बारी आती है हमारे part 3 की। तो सिंपल हम इसे भी यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड नाउ यहाँ पे हम इसे ड्रॉप कर देंगे एंड इसे भी हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और मोड्स के फोल्डर में इंस्टॉल करना है इसे भी एंड नाउ कन्फर्म इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ से हमारे जो GTA 5 की नेचुरल विजन इवॉल्व part 3 है वो इंस्टॉल हो रही है। तो गाइस हमारा जो GTA 5 का नेचुरल विजन इवॉल्व part 3 वो इंस्टॉल हो गया। तो हम इसे क्लोज कर देंगे एंड गाइस अब बारी आती है हमारे रीशेड शेडर्स को इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले हम रीशेड शेडर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे जितने ही फाइल्स हैं इन सभी फाइल्स को हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे एंड नाउ हम अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में से ड्रॉप कर देंगे। तो सिंपल हम इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे अपने OpenIV में ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे जो रीशेड शेडर्स हैं इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब आ रही आती है हमारे ऑप्शनल एड ऑन मोड्स की। तो हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मेंस बूस्ट की फाइल देखने को मिल जाएगी। तो हम इसे सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसे भी इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे एंड मोड्स का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे एंड कन्फर्म इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ से कुछ ऐसे मोड्स भी हैं जो आप लोगों को लाजमी से इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि हमारा गेम कॉन्फिग मोड है और ओल्डर वर्जन कैपेबिलिटी मोड है, तो इसे हम क्लोज करेंगे एंड नाउ अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे गेम कॉन्फिग मोड। तो इस फोल्डर को ओपन करेंगे एंड इंस्टॉल वाले फाइल को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड अपनी OpenIV पे ड्रॉप कर देंगे एंड नाउ अब हम गेम कॉन्फिग को भी इंस्टॉल करते हैं। तो मोड्स के फोल्डर में हम ये सारे मोड्स को इंस्टॉल करेंगे। तो हमारी जो गेम कॉन्फिग है वो इंस्टॉल हो रही है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ और इंस्टॉल करना है, तो हम बैक करेंगे। अगर आप लोगों के पास GTA 5 का ओल्डर वर्जन है तो आपने इस फोल्डर को ओपन करना है और आपने ओल्डर वर्जन गेम्स कैपेबिलिटी को इंस्टॉल करना है।
तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। मेरा जो गेम कॉन्फ़िग इंस्टॉल हो गया है, तो मेरे पास भी जो GTA 5 का ओल्ड वर्जन है मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो मैं ओल्डर गेम वर्जन कंपेटिबिलिटी को इंस्टॉल कर लूंगा। तो हम इंस्टॉल फाइल को यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे हम अपने OpenIMM में से ड्रॉप कर देंगे। तो सिंपल आपने यहाँ से ड्रैग करना है एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो ड्रॉप करने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे, मोड्स का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे एंड कंफर्म इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। नाउ हमारे जो एडऑन्स के कुछ खास फाइल थे वो इंस्टॉल हो गए हैं। तो आप लोग और भी एडऑन्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे आप लोगों के हाई क्वालिटी वेपन्स हैं, एक्स्ट्रा वेजिटेशन हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एडऑन्स मोड हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस गाइस यहाँ पे मैंने इतने ही ऑप्शन इंस्टॉल करने थे तो वो मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो हम इसे क्लोज कर देंगे एंड नाउ अब प्ले करेंगे अपने GTA 5 और देखेंगे हमारे गेम के ग्राफिक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने GTA 5 को। तो गाइज यहाँ से हमारा जो GTA 5 है स्टार्ट हो गया, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड नाउ गाइज आप लोग मेरे गेम का ग्राफिक्स देख सकते हो गाइज कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो यहाँ पे आप वेजिटेशन भी देख सकते हैं, तो इसके रिफ्लेक्शन वगैरह और जो भी चीज़ें हैं गाइज वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हो गई हैं। इवन कि आप मेरे गेम का वेदर चेक करते हैं गाइज कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो इसके अलावा मैं और भी वेदर चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से अपनी चिट मेन्यू को ओपन करेंगे एंड नाउ गाइज यहाँ से अपने टाइम को, पहले तो टाइम हमारा सेट है एंड नाउ वेदर सेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो एक्स्ट्रा सनी में हमारा जो व्यू डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो हम क्लियर कर देंगे एंड नाउ यहाँ से ट्रेन वेदर चेक करते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये है GTA 5 का रेनिंग वेदर। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने इंसर्ट की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका जो ग्राफिक्स मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने शेडर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और अपने शेडर्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा NVE शेडर्स यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। तो इसे क्लोज करने के लिए अगेन हमने इंसर्ट की प्रेस करना है एंड नाउ हमारा जो G-Shade शेडर्स का फाइल है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये GTA 5 का वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक मोड है और ये सबसे लेटेस्ट ग्राफिक्स मोड है GTA 5 का जो कि अभी तक रिलीज़ हुआ है। तो ये 2024 का अपडेट है अगस्त का। तो इसके जो ग्राफिक्स हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और ये हमारे गेम्स को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बना देता है इंस्टॉल होने के बाद। एंड जब आप इसमें सैन एंड्रियास फॉरेस्ट एंड एडिशनल मोड्स इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद हमारा जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।